दुबई की इस वक्त क्या सूरत हाल है? अगर इसको आप कंपेयर करें वेस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर से तो ये बहुत बेहतर है। ये बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, क्या इसने इफेक्ट किया है वहाँ पे बिजनेस को, रियल स्टेट? हालात 2-3 दिन के लिए काफ़ी ख़राब रहे, इतने ख़राब नहीं रहे जितने सोशल मीडिया पे उसको पोर्ट्रे किया गया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम है, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। अब हालात बेहतर हो गए तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 डेज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आजकल जब भी हम बात करते हैं ख़ास तौर पे इंटरनेशनल बिज़नेस की तो रियल स्टेट का नाम जो है वो टॉप पे आता है। रियल स्टेट का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा दुबई में और इसके अलावा बाहर के कंट्रीज़ में काफ़ी चल रहा है। पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी का बिज़नेस आज से कुछ अर्सा पहले तक तो बहुत अच्छा था, अभी भी बाकी बिज़नेस से अगर हम कंपेयर करें तो वो चल तो रहा है, लेकिन ओवरऑल एनवायरमेंटल सिचुएशन की वजह से, कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से उस तरह से प्रॉपर्टी का बिज़नेस नहीं हो पा रहा जिस तरह से लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन बाहर के ममालिक में चूंकि ये मसाइल नहीं है तो वहाँ पे चीज़ें यहाँ से बहुत बेहतर हैं, इसी पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है। ये CEO हैं S5 रियल इस्टेट के, पिछले 20 सालों से रियल इस्टेट के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, इस वक्त ये दुबई में मुकीम हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये इंटरनेशनल रियल इस्टेट एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर रहे हैं, तो ये क्या एडवाइस करते हैं कि दुबई में रियल इस्टेट का बिज़नेस इस वक्त किस तरह बूम पे है, किस तरह काम कर रहा है और इस पाकिस्तान के लोगों के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद शहजाद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आप ऑनर है हमारे लिए कि आप तशरीफ़ लाए। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आप सबसे पहले तो ये बताएं कि रियल इस्टेट में आपने जब कदम रखा उस वक्त आपका क्या विजन था और कब आपने सोचा कि एक तो आपने बिज़नेस करना है और फिर रियल इस्टेट को ज्वाइन करना है? देखें, ऐसा है कि इंसान जब भी कोई कारोबार या कोई बिज़नेस शुरू करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो मेरे पास तो एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि मैं, क्योंकि मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हूँ, मैंने पिछले 20-22 साल में डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस किए हैं और अभी भी माशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसेस को रन कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं रियल इस्टेट में ख़ुद कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था तो मैंने कुछ गैप्स को आइडेंटिफाई किया। सही। और वो गैप्स ऐसे थे कि जब हम कुछ रियल इस्टेट बाय करना चाहते हैं तो सेल करना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किलात आती हैं। सही। देखें, एक आम कहा जाता है कि रियल इस्टेट अगर आप लेने जाओ तो मिलती नहीं है, बेचने जाओ तो बिकती नहीं है। तो उसमें क्या है कि उसमें मैंने देखा कि जो हमारे ट्रेडिशनल ब्रोकरेज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में भी और इवन दुबई में भी, तो मैंने इस गैप को देखते हुए ये महसूस किया कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो कि ब्रोकरेज से हट के एडवाइजरी और कंसल्टेंसी को फ़रोग दे। सही। देखें, अगर कोई शख्स आपके पास आपकी खिदमात लेने के लिए आता है तो आपने पूरी ईमानदारी के साथ उसको गाइड करना है, एडवाइस करना है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरी कंपनी का जो इंसेप्शन है उसके पीछे जो मोटिवेशन थी वो ये थी कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो कि ब्रोकरेज हाउस ना हो, एक एडवाइजरी और कंसल्टेंसी की तौर पर जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनको सर्विसेज दे। तो इट्स अ मोर और लेस एडवाइजरी सर्विसेज बिजनेस इन रियल इस्टेट। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा हमेशा से ये रहा है, क्या आप क्लाइंट को या कोई भी इन्वेस्टर है उसको इतना इन्फॉर्म करें कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सके। और इसी सिलसिले में मैंने एक किताब लिख रखी है और उस किताब के लिखने की भी वजह यही थी कि लोगों को ये बताया जाए कि आप कैसे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सही। सर मुझे ये बताइएगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं दुबई में, तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पास सबसे पहले तो मेरा ये सवाल होगा कि मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट हो जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखें, दुबई में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। सही। अमूमन पाकिस्तान में लोग जो है वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें रेंटल इनकम के लिए किया जाता है। मैं आपको एक कंपैरिजन ज़रूर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो रेंटल रिटर्न्स हैं वो बहुत कम हैं। अगर हम कमर्शियल का देखें तो कुछ 4-4.5% तक आता है, रेजिडेंशल का देखें तो 3-3.5% 4% तक आता है।
जबकि दुबई में अगर कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रेंटल रिटर्न, जो मिनिमम रेंटल रिटर्न है, वो 8% के करीब आता है। जबकि मैं आपको एक डेटा शेयर डेटे के हिसाब से बता रहा हूँ कि दुबई दुनिया का एक ऐसा शहर है जहाँ पे रेंटल इनकम सबसे ज़्यादा आता है। पिछले दिनों एक सर्वे हुआ तो उस सर्वे में एवरेज जो दुबई का रेंटल रिटर्न है वो 9.19% था ओवरऑल, जो कि दुनिया के किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन या किसी भी ग्लोबल शहर से ज़्यादा है। सर, मैं दोबारा इस चीज़ पर जानना चाहूँगा कि मिनिमम एक पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानियों का सवाल बड़ा डायरेक्ट होता है, वो चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट हो, 1 करोड़ से स्टार्ट किया जा सकता है, 2 करोड़ से, कितनी इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखें, दुबई एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर इट इज़ फॉर ऑल। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, जैसे कि आप पूछना ये चाह रहे हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो लोग वहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। देखें, पाकिस्तान में आपने शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं सुना हुआ, बट मैं आपकी जो नाज़रीन हैं, जो आपकी ऑडियंस हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि दुबई में अगर आप फ्रैक्शनल भी इन्वेस्ट करना चाहें तो तब वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि एक अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट को अगर 10-15-20 लोग मिलके भी ख़रीदना चाहें तो मिलके भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा। तो उसकी आपको फ्रैक्शनल ऑनरशिप भी मिलेगी, फ्रैक्शनल टाइटल भी मिलेगा। सही। सो आपके सवाल को लेते हुए, अगर तो कोई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो 2 से 3 करोड़ से स्टार्ट कर सकता है। बट अगर किसी के पास 2 या 3 करोड़ नहीं भी है और वो फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो ये चाहता है कि मैं 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख या 50 लाख, वो फ्रैक्शनल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और वो ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसमें भी रेंटल रिटर्न अच्छा आता है। सर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं फ्रैक्शनल में, तो इस पर अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर कोई 30 लाख इन्वेस्ट करता है तो इस पर उसे कितना प्रॉफिट आ सकता है एक फ्लैट पर? देखें, आपका जो प्रॉब्लम वाला इशारा है वो इस तरफ है कि डेफिनेटली पाकिस्तान में अगर इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म हो तो देखना पड़ता है कि यार ये कौन है, लड़ाई झगड़ाई ना हो जाए, कौन है, मैं किसके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी है या नहीं है। देखें, दुबई एक ऐसा शहर है या यूएई में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉज हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत कंप्लायंस करवाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपनी है वो फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को इनवाइट कर रही है कि आप हमारे साथ आके इनवाइट कर लें और वो रेगुलेटेड ना हो। देखें, दुबई में जो फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के जो बिजनेसेस हैं ये सब रेगुलेटेड हैं और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेज हैं। और एक तो ये जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि वो कितना सिक्योर होगा, तो उसको सिक्योर होके वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बाकी जो आपने पूछा कि मैं अगर 30 लाख करता हूँ तो आप, मैं आपको ये फेयरली ये कह सकता हूँ कि आपको 8% जो है वो रेंटल रिटर्न आएगा 30 लाख के ऊपर सालाना। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब अगर किसी के पास, सपोज़ हम एक सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी के पास 3 करोड़ या 5 करोड़ है तो उसके लिए आप चूंकि इस बिज़नेस से वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं इसकी डिटेल्स नेटिग्रिटीज़ को, तो वो अगर फ्लैट लेता है तो उससे ज़्यादा फ़ायदा है, या वो कोई ऑफिस बनाता है या कोई शॉप बनाता है, इन तीनों में से उसके लिए ज़्यादा सूटेबल क्या चीज़ है? देखिए, दुबई में अमूमन ये कहा जाता है कि अगर मिसाल के तौर पे 100 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें से 25-30 लोग जो हैं वो अच्छे पैसे बनाते हैं और 20% जो लोग हैं वो ब्रेक इवन करते हैं, लेकिन 50% लॉस भी करते हैं। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि जब वो दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो उनको अपनी पर्सपेक्टिव में क्लैरिटी नहीं होती, और दूसरा ये है कि वो जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं करते। जो आपने मुझसे सवाल किया, अगर मुझसे कोई ये कहे कि हम ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम उसको पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चनरी दे देंगे कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों करना चाहते हैं आप, क्या आप रेंटल रिटर्न्स के लिए करना चाहते हैं, क्या आप हॉलीडे होम बनाना चाहते हैं, या आप खुद आके रहना चाहते हैं, या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कुछ देर के लिए आप इन्वेस्ट करके और एग्ज़िट करना चाहते हैं। देखें, इन्वेस्टमेंट में एंट्री और एग्ज़िट्स को
पहले से डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम पर्सपेक्टिव जानने के बाद उनको फिर ऑप्शंस देते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और उनको हम सारा डेटा देते हैं जो कि डेटा होता है पिछले 2 साल का, 3 साल का, कि इस लोकेशन पे जहाँ पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ये पैटर्न चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, ये लास्ट ट्रांजेक्शन हुई हैं, नाउ दे आर इन वेरी मच बेटर पोजिशन टू टेक अ डिसीजन। सही सर, आपके पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं या एडवाइस लेते हैं वो नॉर्मली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं या लॉन्ग टर्म उनके कोई प्लान्स होते हैं कोई शॉप्स बनाने के, क्या किस तरह के लोग ज़्यादातर आते हैं? देखिए, हमारे पास ओवरऑल 6 किस्म के लोग आते हैं। सही। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि जी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमें गारंटेड रेंटल रिटर्न्स चाहिए। गारंटेड रेंटल रिटर्न्स के लिए पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि गारंटेड रेंटल रिटर्न्स यहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग रेंटल रिटर्न्स ऑफ़र कर रहे हैं वो ज़ेरे तामीर मंसूबों में ही रिटर्न्स देना शुरू कर देते हैं। दुबई में आपको रेंटल रिटर्न्स इस तरह मिलते हैं कि आप किसी होटल में या किसी होटल अपार्टमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गारंटेड रेंटल रिटर्न्स आएंगे, और वो होटल्स जो हैं ऑपरेटिव हैं, आप एक हिसाब से उस होटल में पार्टनर बन जाते हैं। तो एक तो ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। दूसरा ये है कि कुछ लोग आते हैं कि जी हम साल में 2-3 दफ़ा दुबई आते जाते हैं तो हम एक प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं जिसमें एक अपार्टमेंट हो सकता है कि हम उसको अपने ज़ेरे इस्तेमाल लेकर आएंगे, और जब हम यहाँ पर ना हों तो उसको हॉलिडे होम के तौर पे, जिसको अमूमन एयरबीएनबी मॉडल कहा जाता है, तो उस पे वो चलना शुरू हो जाएगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इस तरह के होते हैं कि वो बहुत प्राइम प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और ऑफ प्लान स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं, अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं। दुबई में जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ का लैंडस्केप है वो बहुत सिक्योर है। अगर आप किसी इन्वेस्टर किसी डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली पैसा जो है वो एस्क्रो अकाउंट में डालते हैं जो कि डेवलपर और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के दरमियान खुला हुआ है। सही। तो आपका पैसा सिक्योर है। अगर वो प्राइम प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जैसे ही प्रॉपर्टी कुछ शेप अप होती है तो एक कैपिटल गेन उनको आता है। सही। तो नॉर्मली वो उस टाइम पे एग्जिट करते हैं, उस वक्त भी वो अच्छा यील्ड बनाते हैं। चौथे नंबर पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने वहाँ पर रहना होता है, उनको हम एंड यूज़र की कैटेगरी में समझते हैं। जब वो आएंगे तो उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनके बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, मसाजिद चाहिए, वो किस नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। तो दीज आर ऑल पर्सपेक्टिव्स वी हैव इन दुबई। अच्छा सर, पाकिस्तान में जैसे इस वक्त ओवरऑल बिज़नेस की एक सिचुएशन और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है वो मुंजमद हुआ हुआ है, रुका हुआ है काफ़ी अरसे से, उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा, तो दुबई की इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो अभी ये बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, क्या इसने इफ़ेक्ट किया है वहाँ पर बिज़नेस को, रियल इस्टेट को? देखिए, मैं आपके सवाल के पहले हिस्से की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी के मसले मसाइल हैं, देखिए पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के जो मसले मसाइल हैं उसकी बेसिक रीज़न ये है कि यहाँ पर रियल इस्टेट के मुतालिक कोई लॉज नहीं है। कोई भी आदमी, वो अगर उसके पास कोई छोटा सा पीस ऑफ लैंड है तो वो सुबह सोसाइटी बनाना चाहे तो वो शुरू हो जाएगा। सही। उसके कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है। सोसाइटी लॉन्च करने के बाद, लोगों के पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, वो उसकी अप्रूवल्स के लिए भागा भागा फिरेगा, और इन्वेस्टर्स को हमेशा ग्रे एरिया रहेगा कि पता नहीं ये सोसाइटी अप्रूव होती भी है नहीं होती। मैंने खुद देखा है पाकिस्तान में सोसाइटीज़ जो हैं बनने के बाद 10-10, 15-15 साल के बाद अप्रूव हुई हैं। सो एज़ कम्पेयर टू दुबई, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपका कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले गवर्नमेंट की सारी अप्रूवल्स लेना ज़रूरी है। जो आपका दूसरा सवाल है कि हालिया बारिशों और जो एडवर्स वेदर कंडीशंस हुए हैं, देखें दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर इसको आप कंपेयर करें वेस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर से तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि दुबई या GCC में रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम अभी उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न नहीं था इतना रेन का। बिल्कुल ऐसे। बट एज़ कम्पेयर टू अदर GCC, दुबई इज़ फार मच बेटर। देखें, वो मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हालात 2-3 दिन के लिए काफ़ी ख़राब रहे, पर इतने ख़राब नहीं रहे जितने सोशल मीडिया पे उसको पोर्ट्रे किया गया। बल्कि मैंने खुद ये देखा कि कुछ वीडियो क्लिप्स
इस तरह के भी वायरल थे जो कि दुबई के हैं ही नहीं है। अच्छा, उसमें से कुछ क्लिप्स फिलीपींस और इंडोनेशिया में एक फ्लड आया था तो वो उसके क्लिप भी चल रहे थे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्योंकि अब हालात बेहतर हो गए हैं तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 डेज वहाँ पर उनका जो रेस्क्यू है या जो उनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम है दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव और मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक उन्होंने रिकवर कर लिया है। सो आप देखेंगे कि एक आधे दिन में वहाँ पे लाइफ जो है वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। सर, हमारी जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे रियल स्टेट, जैसे आप बता रहे हैं कि इस वक्त उसका स्कोप भी बहुत है दुबई में, तो उनके लिए क्या कोई प्री रिक्विजिट्स हैं, कोई उनके लिए क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे वो ये काम कर सकते हैं, या इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं? क्या स्किल्स उनके पास होने चाहिए? देखें, रियल स्टेट जो है सेल्स का बिज़नेस है और अमूमन मैं ये समझता हूँ कि सेल्स का बिज़नेस में सेल्स के स्किल्स होने ज़रूरी हैं। अगर आपका इशारा ये है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो मैंने ये देखा है कि दुबई के रियल एस्टेट बिज़नेस में ऐसे भी लोग जो हैं मल्टी मिलियनेयर्स हैं जो कि जिनकी फॉर्मल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। अच्छा। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका रियल एस्टेट की तरफ पैशन कितना है और आप किस अपने व्यू के साथ अपना मार्केट में आ रहे हैं। तो रियल एस्टेट में बहुत गुंजाइश है, यहाँ के नौजवान अगर रियल एस्टेट को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बना सकते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में बैठ के भी बनाना चाहें तो वो पाकिस्तान में बैठ के भी बना सकते हैं। वो आपके इस गुफ्तगू और इस वीडियो के ज़रिए वो बिल्कुल हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको गाइड करेंगे कि क्या कैसे वो पाकिस्तान में बैठ के अपना ऑनलाइन सर्विसेज देके या किसी तरह इसका हिस्सा बन के। देखें, हमने क्या है कि हमारी कंपनी का एक एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम है। सही। जो लोग हमारे साथ पार्टनरशिप में अपना करियर को परसू करना चाहते हैं तो वो हमारे एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं और वो यहाँ पर बैठ के अपना करियर शुरू कर सकते हैं। जब वो महसूस करें कि दे आर गोइंग गुड तो वो रीलोकेट भी होना चाहें तो रीलोकेट भी हो सकते हैं। सर, ये कोई इंटर्नशिप टाइप चीज़ है या आपके पार्टनर वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके बनते हैं? नहीं, इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट और वो हमारे पार्टनर बन रहे हैं और हम उनसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट्स यूजली हम उनको कुछ सेशन जो हैं वो ट्रेनिंग्स के देंगे। ठीक है। कि दुबई के रियल एस्टेट में आप अगर कोई सेल्स करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, फिर हम उनको हेल्प करेंगे, कुछ हम उनको लीड्स देंगे, कुछ आउटरीच स्ट्रेटजीज बताएंगे। और एफिलिएट पार्टनर का मतलब ये है कि हम उनको ओवरलुक कर रहे होंगे, वो अपनी एफर्ट्स कर रहे होंगे और अगर वो कुछ सेल्स करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें मेरे पास अभी डेटा है कि पाकिस्तान में इस प्रोग्राम में कुछ हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी हैं। अच्छा, तो वो अच्छा खासा उसमें अर्न कर सकते हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। सर, आपकी जो बुक है बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इसको इसका क्या विजन है और इसको आपने लिखने का कब सोचा था? देखें, इसको मेरा जो लिखी तो मैंने इसको पिछले साल है, ये पिछले साल पब्लिश हुई है और माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोगों ने बहुत पसंद की है। इस बुक को लिखने का मकसद यही था कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि दुबई में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी गलतियां कर बैठते हैं, नुकसान कर बैठते हैं और उसमें आपने कभी आम तौर पे ये सुना होगा कि जी मैंने दुबई में पैसे इन्वेस्ट किए और मेरे डूब गए। तो वो जब आप अच्छे तरीके से अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो डूबेंगे। तो इस किताब को लिखने का मकसद यही है। अगर आप इस किताब के सारे चैप्टर्स का मुतालिया करेंगे तो अगर इसको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि हाउ टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। सही। इस किताब में बार बार आपको इसी तरफ आपको आपकी तवज्जो दिलाई जाएगी कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे ये किताब दुबई स्पेसिफिक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के स्पेसिफिक है कि आप दुनिया में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कब एंट्री ले रहा हूँ, कब एग्जिट करूँगा, मैंने ड्यू डिलीजेंस करनी है, मैं किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट्स में क्या मुझे प्रॉब्लम आ सकते हैं। मेरी किताब में मैंने एक चैप्टर ऐसा भी रखा है कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल इमोशंस पर भी काबू रखना है। कभी कभी चीज़ें जो हैं वो साउथ स्टार भी चली जाती हैं, तो आपने अपने साइकोलॉजिकल इमोशंस को काबू रखते हुए
आपने पेशेंस रखना है और जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसके ऊपर चलना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये किताब काफ़ी मुफीद साबित हो सकती है। सर एक सवाल है यहाँ पे, ये वैसे तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं इस सवाल से। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कितने एसेट्स बनाए इस काम से, और आप क्या समझते हैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपकी बात करें तो कितनी अर्निंग आप कर लेते हैं? सवाल आपका काफ़ी अच्छा है लेकिन प्रिसाइज मेरे लिए जवाब देना शायद इतना वो मुश्किल होगा, बट ये है कि मैं खुद, मेरी कंपनी, हम मल्टी मिलियन डॉलर पोर्टफोलियो जो है वो अपने डिसर्निंग क्लाइंट्स का मैनेज करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हम हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उन अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमने जितने भी टारगेट्स जिस भी क्वार्टर के लिए, जिस भी ईयर के लिए बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किए हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं कि अगर हमारा यहाँ पर मकसद, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस नहीं है, हमारी ये बहुत कोशिश होती है कि हमारे क्लाइंट्स, हमारा क्लाइंट फर्स्ट का जो विज़न है वो बहुत हमारे लिए काम कर रहा है, और इसमें विन विन सिचुएशन है। हमारे क्लाइंट्स भी पैसा बना रहे हैं, डेफिनेटली इसमें हमारी जो कंपनी है वो भी पैसा बनाती है, और कंपनी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी पैसा बनाते हैं। सर फ्यूचर में कोई ऐसा ख्वाब है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी आप जिसको करना चाह रहे हों या जिस पर काम कर रहे हों तो उसके बारे में बताइए? मैं अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो इंसान, अल्लाह ने इंसान को ऐसा पैदा किया है कि उसकी ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म नहीं होती, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी इस रियल इस्टेट कंपनी को, जैसे मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया कि एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी हमारे साथ पार्टनर्स जुड़ें और ये कंपनी जो है लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। मेरा ये मानना है कि ऐसे बिजनेसेस जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं वो खुद ब खुद कामयाब हो जाते हैं, और वो सस्टेनेबल भी होते हैं और स्केलेबल भी होते हैं। और मेरा इस कंपनी के लिए विजन भी है और मेरा ड्रीम भी है कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, सैकड़ों की तादाद में, मेरा ये ख्वाहिश है कि सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़ें और वो इस कंपनी से फ़ायदा उठाएँ। सर कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मुझे ये बताइएगा कि उनके काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? देखें, मैं कासिम अली शाह साहब का जो है वो उनको मैं उस्ताद समझता हूँ, और वो मेरे भी उस्ताद हैं, और जो उन्होंने अपना ये बहुत कम अरसे में जो उन्होंने अपना काम किया है वो काबिले तारीफ़ है। कासिम अली शाह साहब के काम को मैं ये कहता हूँ कि केस स्टडी के तौर पे अगर इसको लोगों को पढ़ाया भी जाए तो ये गलत ना होगा। कासिम अली शाह साहब ने एक ऐसी फाउंडेशन बनाई है जो कि लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है, लोगों को तालीम दे रही है, एजुकेशन में काम कर रही है, और कासिम अली शाह साहब जो लोगों को स्किल सिखा रहे हैं, मैं उसकी वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है और मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच अहमद शहजाद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो लोग रियल स्टेट के बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, और दुबई के हवाले से इन्होंने खसूसी गुफ्तगू की कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरीके से आपको वेल इन्फॉर्म्ड होकर काम करना चाहिए, सारी बातें आपके बहुत काम आएंगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।